हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज मैं अपने क्यूट छोटी सी व्यूअर के डिमांड पर व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी रिफाइंड ऑयल में। वैसे जब कोई सोचता है घर में व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए, तो उसे लगता है ऑलिव ऑयल के बिना पास्ता नहीं बन सकता। सो गाइस, मैं आपको रिफाइंड ऑयल में पास्ता बनाकर दिखाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले पास्ता को बॉइल करेंगे, तो हम एक ग्लास पानी लेंगे। जब पानी में बबल्स आने लगे तो उसमें नमक ऐड करेंगे। अब उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि पास्ता थोड़ा चूजी टाइप का होता है, वो आप जब वो पकता है तो वह आपस में चिपक जाता है, इसीलिए उसमें ऑयल डालना ज़रूरी है। फिर हम पास्ता को ऑयल करेंगे। उबाल आ जाएगा तो हम उसे चलाते रहेंगे। पास्ता को आप 80% तक ही कुक कीजिएगा। मैं आपको एक मेथड बताती हूँ पास्ता कुक हुआ है कि नहीं। आप पास्ता को थोड़ा खा कर देखिएगा, जब वो दांत में हल्का लगने लगे तो आपका पास्ता रेडी है। मेरा पास्ता रेडी हो गया है, अब उसे एक उबाल देंगे और गैस ऑफ कर देंगे। अब इसे किसी छन्नी की सहायता से छान लेंगे। पास्ता को ठंडे पानी से धो लेंगे और अच्छी तरह से छान लेंगे। फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा कर साइड में रख देंगे। ऑयल लगाने से पास्ता आपस में चिपकेगा भी नहीं। अब एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च, कटा हुआ गाजर और मटर ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे बीन्स। अब इसे सौते करेंगे, इसे ओवर कुक मत कीजिएगा। हाँ, इसमें थोड़ा क्रिस्प ला सकते हैं और इसमें नमक ऐड करेंगे। टेबल को ज़्यादा कुक मत कीजिएगा, नहीं तो वो ओवर कुक हो जाएगा। हाँ, उसमें थोड़ा क्रिस्पनेस ला सकते हैं। जब आपका वेजिटेबल क्रिस्प हो जाए तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब व्हाइट सॉस बनाने के लिए एक पैन में 2 चम्मच बटर लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। जब बटर मेल्ट होने लगे तो उसमें कटी हुई लहसुन ऐड करेंगे, साथ ही में हरा मिर्च भी ऐड करेंगे और उसे कुक करेंगे। अब उसमें मसालों में चिली फ्लेक्स, मतलब कुटा हुआ मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च डालने से उसका फ्लेवर आपके पास्ता में आएगा तो और भी वो टेस्टी लगेगा। अब उसमें मैदा ऐड करेंगे। अगर आप 2 चम्मच बटर लिए हैं तो उसमें 1 चम्मच ही मैदा ऐड करेंगे, वरना आपका पास्ता का सॉस थोड़ा थिक बन जाएगा, जो कि खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब उसमें दूध ऐड करेंगे और चलाते रहेंगे ताकि उसमें लम्प ना लगे। दूध आप अपने रूम टेम्परेचर के हिसाब से रखिएगा, ना ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। अब उसमें चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और चलाते रहेंगे। 1-2 मिनट कुक करेंगे। जब आपका सॉस थोड़ा थिक हो जाए
अब आपका सॉस थिक हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए आप अपने कलछी पर थोड़ा सॉस लगाइएगा। जब उसकी परत आ जाए तो आपका सॉस रेडी है। अब उसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे और उसे मिक्स करेंगे। अब उसमें बॉइल किया हुआ पास्ता ऐड करेंगे और उसे मिक्स करेंगे और एक दो मिनट तक कुक करेंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक दो मिनट कुक करेंगे। देखिए गाइस, क्रीमी पास्ता हमारा कितना ही रसीला बना है। इनकी घर का जायका भी खुशबू में जो दिखता है वही पकता है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट पर सर्व करेंगे। ऊपर से ब्लैक पेपर और कुटा हुआ लाल मिर्च ऐड करेंगे। तो गाइस, एक बार खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए मेरे मेथड से व्हाइट सॉस पास्ता ज़रूर अपने घर पे बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि रिफाइंड ऑयल से आपका पास्ता कैसा बना। और हाँ, इस तरह के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और पास्ता की रेसिपी की वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।